You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। इसे सुनिश्चित करें आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें, खुद को अपडेट रखें। अर्जेंटाइन सोर्सेस एसोसिएशन AFE पार्टनर्स द प्लान के साथ मेटावर्स में प्रवेश करने के लिए। जापान में 2023 में फॉरेन स्टेबल कॉइन्स पर सैंक्शंस हटाने की प्रिपरेशन की। बाइनेंस फ्रांस ने टेरा USD फेलियर से जुड़े 2.4 मिलियन यूरो लॉसूट का सामना किया। दफाई एग्रीगेटर बाइनेंस नेटवर्क में फ्यूजन अपडेट लॉन्च किया। रिपे पार्टनर ने वीजा के साथ नियर इंस्टैंड क्रॉस बॉर्डर P2P पेमेंट्स लॉन्च किया। JP Morgan इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टीयरिंग क्लियर ऑफ क्रिप्टो। डिफ्रॉस्ट फाइनेंस हैक क्लेम फंड्स रिकवर हो गए हैं। बैंकिंग जाइंट HSBC डिजिटल करेंसी एंड मेटावर्स प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज के लिए ट्रेडमार्क फाइल करता है। 2022 में 450,000 BDC कोल्ड स्टोरेज में चला गया। BDC.com को हैक कर लिया गया है। लगभग $3 मिलियन की एसेट्स चोरी हो गई। वॉल्ट अप्रोचेस रीस्ट्रक्चरिंग डेडलाइन, नेक्सो के साथ कोई प्रोग्रेस नहीं। FTX से फॉर्मर CEO बैंकमैन-फ्राइड ने $250 मिलियन बेल हासिल की। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन AFA ने अपने फैंस को मेटावर्स से फेमिलियर कराने के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड फोरम अप्लान के साथ पार्टनरशिप की है। अप्लान अर्जेंटीना के फैंस को AFA इतिहास के साथ एक बड़ा रिलेशन बनाने की अनुमति देगा। लीग के कई प्रॉपर्टीज के डिजिटल रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करने का अवसर पेश करेगा, जिसमें क्लब, स्पोर्ट, हिस्टोरिकल मोमेंट और यहाँ तक कि टिकट भी शामिल है। लोकल न्यूज एजेंसीज के रिपोर्ट्स के अनुसार जापानीज रेगुलेटर 2023 में टेथर और USD कॉइन जैसे फॉरेन स्टेबल कॉइन से रिलेटेड क्रिप्टोकरेंसी सैंक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस हटाने पर रीथिंक कर रहे हैं। बाइनेंस की फ्रेंड सब्सिडरी बाइनेंस फ्रांस पर 15 इन्वेस्टर्स द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, जो दावा करते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी जाइंट्स ने कस्टमर्स को गुमराह करके लोकल रेगुलेशंस का मेंशन किया है। वन इंच नेटवर्क ने वन इंच स्वैप इंजन के लिए अपने न्यू फ्यूजन अपडेट का खुलासा किया है, जो टॉप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एग्रीगेटर्स में से एक में रूप में अपने इवेंट को मजबूत करता है। नेटवर्क का फ्यूजन अपग्रेड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कम लागत पर रिलायबल, सेफ और प्रॉफिटेबल एक्सचेंज प्रदान करना चाहता है। बैंकॉक पोस्ट की कल एक रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड फिनटेक की जाइंट और रिपल पार्टनर डी मनी ने वीजा डायरेक्ट को अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने के लिए वीजा के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जाइंट कंपनी JP Morgan ने एक एनालिस्ट ने खुलासा किया कि बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एक्टिवली क्रिप्टो करेंसी से परहेज कर रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ऐसे क्लासेस उनके रैडर पर भी नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड लेवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल डिफ्रॉस्ट फाइनेंस, जिनके हाल ही में खुलासा किया है कि इसके प्रोटोकॉल का इसके V1 और V2 प्रोडक्ट्स के माध्यम से लगभग $12 मिलियन के लिए शोषण किया गया है, ने एक अपडेट जारी किया कि जिसमें कहा गया कि V1 अटैकर ने एक्सप्लॉयटेशन किए गए फंड्स को वापस कर दिया है। बैंकिंग की जाइंट HSBC ने डिजिटल करेंसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक वाइड रेंज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है, जिसमें द मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन से संबंधित है।